देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मालकिन, मधुमती क्या हुआ? मालकिन जल्दी नीचे आइए। मधुमती क्या हुआ? घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? मालकिन क्या बात है? मालकिन मुझे आपको कुछ बताना है। किसके बारे में बताना चाहती हो? त्रिशूल के बारे में। उसने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? उसने कहा अस्थि विसर्जन करने गया है। लेकिन कहाँ? वो किस गांव में है? इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बताया नहीं तो तुमने पूछा क्यों नहीं? मैं सब कुछ पूछने ही वाली थी कि कॉल कट गया। मैंने वापस कई बार कॉल किया पर उसने रिसीव ही नहीं किया। वैसे और क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने किसी गांव में शिवानी को देखा है। मुझे वीडियो कॉल भी किया था। वहाँ शिवानी है मुझे दिखाने के लिए। अच्छा, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे। उसके बाद कॉल कट हो गया। मुझे लगा वो शिवानी की यादों में खोकर ऐसी सब बातें कर रहा है, लेकिन उसे देखने पे लगा मानो सच में शिवानी वहाँ थी। इसका मतलब नागिन अब तक जिंदा है। अरे अरे अरे, नीच लड़के, तू मुझे गले लगाता है? इस शैलू को गले लगाने की हिम्मत? हाँ हाँ, तेरी तो मैं। मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, बच गया तू बेटा। चल निकल यहाँ से। शिवानी। ए, क्या शिवानी? कौन है शिवानी? प्लीज शिवानी, चलो घर चलते हैं। मुझे शैलू को अपने घर बुला रहा है तू? ये कौन है ये शिवानी? हाँ, आज तक मैंने जितने भी नाटक किए ना, उसमें शिवानी का तो कोई रोल ही नहीं था। शिवानी, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे शिवानी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम हो कि अनजान जैसा बर्ताव कर रही हो, ऐसा क्यों? ए, नाटक देखकर प्यार में ऐसे पागल हुए इंसान को मैं पहली बार देख रही हूँ। तू थोड़ा पागल है क्या? हाँ शिवानी, मैं पागल हूँ, बहुत बड़ा पागल हूँ। तुम्हारा नाटक देखकर पागल नहीं हुआ हूँ। यहाँ ये जो तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो, इसलिए पागल हुआ। नाटक मत करो, चलो शिवानी चलते हैं। ए, मेरा हाथ छोड़। अरे ले, मामा, मामी। फैन हो हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब सर पर चढ़कर क्या तांडव करोगे? हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, हमेशा साथ रहने के लिए पकड़ा है। अरे अब क्या इसका मुंह देख रहे हैं? निकालिए इसे घर से बाहर। तुम्हें तो मैं। अरे छोड़ हाथ, निकले यहाँ से। चल जा। वापस यहाँ दिखे तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? आना बड़ा। कौन है ये पागल इंसान? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? डर तो लगेगा ना, मेरे सपनों को चूर चूर करने वाली वो नागिन अब तक जिंदा है, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। नागमणि पाना मेरा लक्ष्य था, लेकिन अब मेरा लक्ष्य है उसे तड़पा कर मारना। सब एक ही बार मरते हैं दिग्विजय, वो मर चुकी है। मरी हुई को जिंदा सोचकर डरना व्यर्थ है। तुम मेरी बात समझोगी नहीं, वो एक नागिन है, उसके पास दैवीय शक्तियां हैं। मेरी अध्ययन की हुई विद्या बिल्कुल सही है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, वो मर चुकी है ये तय है। तुम्हारी अगर अपने बेटे से बात हुई तो उसे जल्दी लौट आने को कहो। दुल्हन यहाँ इंतजार कर रही है। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए,
मूल तो ब्रह्म रूप आया, मध्य तो विष्णु रूप आया, वृक्ष राज आया। नमो नमः, नमो नमः। तो ब्रह्म रूप आया। तेरी तो ऐसे नोचूंगी ना, आंखें बाहर आ जाएंगी तेरी। लेकिन अभी मैं नोचने के मूड में नहीं हूँ, भक्ति के मूड में हूँ, चल जा। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे समझ मुझे नहीं आ रहा है। तो यही समझ में नहीं आ रहा है रे लड़के, तू अजीब, तेरी नजरें अजीब, हे भगवान पूरा ही अजीब है। तुझे देखने से लगा कि तू बेचारा सा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। तेरी प्रॉब्लम क्या है रे? मेरी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शिवानी रुक जाओ, शिवानी। क्या है, क्या है तेरा ये नाटक? कब से देख रही हूँ, मेरे पीछे पीछे ही घूमता जा रहा है। अरे शिवानी नाटक मत करो प्लीज, मुझे लगा था कि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, अचानक तुम मेरे सामने आ गई। और अब अगर ऐसा कहोगी कि मुझे जानती नहीं हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? बोलो, तुम और कहीं नहीं हो शिवानी, यहाँ पे हो। देखो मेरी आंखों में देखो शिवानी। शिवानी मैं तुम्हारा त्रिशूल हूँ, तुम मेरी शिवानी हो। तुम नहीं जानती मैंने कितने कष्ट सहे हैं, मर भी नहीं पा रहा और जी भी नहीं पा रहा, हर एक पल तड़प कर तुम्हारी यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। शिवानी शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। शिवानी मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब कुछ सच है। क्या शिवानी? मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ भूल गई थी। कोई बात नहीं शिवानी, तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना, यही काफी है। भगवान का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो शिवानी। शिवानी चरित्रहीन लड़के, ए! शिवानी उठो यहाँ से, उठता है कि नहीं? अरे नाटक वाली के साथ तू नाटक कर रहा है, वो भी नाग और इंसानों वाला नाटक, कौन सी मूवी देखकर आया है रे तू? शिवानी क्यों? देख मैं सिर्फ दिखने में निरूपा रॉय जैसी हूँ, पर गुस्सा आ जाए ना तो फूलन देवी बन जाती हूँ मैं। अगर वापस मेरा पीछा किया ना तो खीर खीर बनाकर गट गट करके गटक जाऊंगी तुझे। हाँ नहीं तो आज मैंने बहुत पानी भरा है, पानी भर के घर जाऊंगा घर। अरे रे कौन है बिनबाप कौला जो मुझे सुबह शाम फोन करके परेशान कर रहा है, अभी सबक सिखाता हूँ। हेलो हेलो त्रिशूल। ए कौन हो तुम? हाँ बिनबाप की औलाद कहीं के, दुनिया के सबसे बड़े रोग से तुम्हारी मौत हो जाए। ए ए आखिर आखिर तू है कौन? मैं कौन हूँ? अरे जिंदगी में भटके हुए इंसान, मेरे फोन पर खुद फोन करते हो और पूछते हो कि मैं कौन हूँ? ए अगर तुम में हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ, जिस तरह मुर्गी का सर और शरीर अलग करते हैं ना उसी तरह तुम्हारा सर काट दूंगा, आओ सामने। शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी शिवानी रुक जाओ। ए वहाँ वो जो लड़का चिल्ला रहा है वो मेरा बेटा है, फोन दे उसे। तुम्हारा बेटा है तो तुम फोन करो ना, मुझे क्यों सता रहे हो? ए बकवास बंद करो, फोन रखो। अरे भाई वो मेरे बेटे की आवाज है, फोन दे उसे। ए रख फोन।
हेलो, ऐसे राह चलते किसी को फोन थोड़ी देते, इतनी अकल तो है मुझ में। अरे सर का कॉल पे कॉल आ रहा है, मैंने कॉल कट किया तो तुम्हें करते हैं, तुमने कॉल कट किया तो मुझे करते हैं। बाहर जाना चाहे तो वो पागल इंसान बैठा है, अब मैं क्या करूं? हमारी शैलू कौन है? किसी से ना डरने वाली शेरनी। शैलू कौन है? किसी से ना डरने वाली झांसी की रानी। दरन दरन दरन। फूल बनी अंगारा, अंगारा बनी आग। नहीं नहीं नहीं, ये शैलू उस बच्चे से डर जाए हो ही नहीं सकता। चलो चलते हैं। चलो। मैंने चलते हैं कहा, पहले मैं जाऊंगा ये तो नहीं कहा। मैं पहले चलता हूँ, चलो चलो। हाँ, मैं भी चलती हूँ। दीदी क्या दिमाग लगाया आपने? ए, मेरा छाता उठाओ, चल मेरे साथ। शिवानी सुनो, शिवानी, शिवानी कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। चुप। क्या है रे लड़के, तू मेरी एक्टिंग देखकर पूरी तरह से फिदा हो गया है ना? मेरा फैन हो गया है ना? तुझे मेरा नाटक वापस देखना है ना? नो प्रॉब्लम। एक काम करा, आज हम लोग यही पास के गांव में, कौन सा गांव है रे? मालेगांव। हाँ, वहाँ नाटक करने वाले हैं। आ जाना। हाँ, अरे शिवानी मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ, मेरा अभी यहाँ ना बात करने की भी वजह है और वहाँ बात करने की भी कोई वजह है। हाँ, आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, आऊंगा। जहाँ तुमने कहा वहाँ आ जाऊंगा, वहीं बात करते हैं। हाँ गुड बॉय, आ जाना। हाँ बाय। शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, कह रहा था मतलब उसने उसे देख लिया होगा। हाँ यानी वो जिंदा है, मेरी दुश्मन शिवानी जिंदा है। भाई क्या हुआ? भाई यहाँ कोई नाटक होने वाला है ना, वो कहाँ पे है? ये क्या कह रहे हो भाई, यहाँ कोई नाटक नहीं है। लेकिन भाई शिवा वो चीस और स्वप्न सुंदरी जी, शैलू नाम है, उन्होंने कहा यहाँ कोई नाटक वाटक नहीं है, लगता है किसी ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। इस गांव में मेला या जात्रा ही नहीं होता, फिर नाटक तो बहुत दूर की बात है। पहले नाटक करने वाले और देखने वाले दोनों थे, अब ना खेलने वाले हैं और ना देखने वाले। इस गांव में लोग ही नहीं है, फिर यहाँ भला कोई नाटक क्यों करेगा? हमारे गांव के सारे लोग बैंगलोर चले गए हैं। तुम्हें जरूर किसी ने गलत खबर दी है, जाओ जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। कनक दुर्गा आ गया, उतरो उतरो। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। देर हो गई थी इसलिए हमें चिंता हो गई कि आप आएंगी कि नहीं। ओह सो सॉरी, आते वक्त रास्ते में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आपको तो पता ही है क्रेजी फैन। यही सोच रही है ना कि कोई दिख क्यों नहीं रहा? हमने आपके आने की बात किसी को नहीं बताई है। उनके आने से चिल्लाना, हल्ला गुल्ला, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, इन सब से आपको परेशानी हो सकती है ना, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। नो नो, फैंस होते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल अलग ही होता है। कोई बात नहीं, वो सब मुझसे स्टेज पर ही मिल लेंगे। तो फिर आप एक बार बड़े घर जाकर आइए। बड़ा घर? बड़े घर में दिग्विजय साहब रहते हैं, आप अपने टीम के साथ जाकर उन्हें इनवाइट कीजिए। व्हाट,
मैं जाकर उनको इनवाइट करूं? इम्पॉसिबल। जहाँ ये शैलो पैर रखती है ना, वहाँ के बड़े बड़े लोग खुद आकर मुझे इनवाइट करते हैं। तो फिर ये ऐसी बात नहीं मैडम, वो बहुत बड़े लोग हैं। यहाँ आसपास कोई भी कार्यक्रम होता है ना, हम उन्हें बुलाते ही हैं। वो बहुत बड़े कला प्रेमी हैं, वो आएंगे तो शोभा बढ़ेगी। शैलू हाँ कह दो, बड़े घर वाले आएंगे तो हमारा ही फायदा होगा, कलेक्शन कलेक्शन बढ़ेगा। हाँ कह दो। ओके, चलते हैं। मधुमती, त्रिशूल ने तुम्हें दोबारा फोन किया था क्या? नहीं माँ जी, मैंने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ है। कहाँ गया होगा? दिल का दर्द कम होने पर आऊंगा, लेटर लिख के गया है। भगवान, ये दर्द भला वो कैसे भूल पाएगा? ये दर्द वो कभी नहीं भुला पाएगा। जब शिवानी जिंदा थी तो हमेशा खुश रहता था, अब जब तक त्रिशूल जिंदा रहेगा वो शिवानी को याद करेगा। शैलू, इसकी क्या जरूरत, रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। वो लोग बड़े लोग होंगे लेकिन मैं भी तो हीरोइन हूँ, इतनी आसानी से नहीं देख सकते। मेरा भी तो एक रेंज है ना। कम ऑन, फॉलो मी। बड़ी मल्ली, बोलो छोटी मल्ली। कितना मस्त घर है ना। मैंने ऐसे घर सिर्फ सिनेमा में ही देखे हैं। आप लोग कौन हैं? बड़ी मालके नमस्ते। क्या बात है ऐसे अचानक यहाँ? दरअसल मालकिन, हमारे गांव में नाटक होने वाला है और हर एक कार्यक्रम में हम पहला आमंत्रण आपको ही देते हैं ना, इसलिए सबको यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। मधुमती, जूस लेकर आओ। मालकिन नमस्ते। माँ जी, ये सब कौन हैं? ये सब कलाकार हैं। मालकिन, दिग्विजय जी कहाँ हैं? वो किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। ओह, क्या बात है, सब झुंड में आ गए हो। अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझसे भी कह सकते हैं। जीजा जी के अनुपस्थिति में मैं ही घर का मुखिया हूँ। नमस्ते। वैसे कौन है हीरोइन? ये है शैलू। मैं हूँ। हाँ, समझ गया समझ गया। हीरोइन की तरह ही दिख रही है। वैसे आप दोनों का रोल क्या है? हम दोनों छोटे मोटे रोल करते हैं। बड़ी मल्ली, छोटी मल्ली। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो।
से नाटक खेलने के लिए मेरे जीवन को रंगमंच बना दिया। इतना दर्द दे रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? शिवानी से प्यार करना या फिर सिर्फ शिवानी से प्यार करना? अब मेरे पास दर्द सहने के लिए शक्ति नहीं है। मेरी शिवानी को मेरे पास वापस भेज दीजिए और उसे मैं याद आ जाऊं, ऐसा कुछ कीजिए भगवान। भगवान, मेरी शिवानी मुझे चाहिए, उसके होने से मेरे जीवन का कोई मतलब है। नमस्ते छोटे मालिक। वैसे मैं सबसे छोटा मालिक हूं। नमस्ते सर, मैं शैलू। अरे रे रे, सॉरी, नट सम्रागिनी। स्वप्न सुंदरी नाटक की हीरोइन। मेरी इस खूबसूरती के सामने बाकी सब पानी कम चाय है सर। आज आपके गांव में सुवर्ण पहाड़ के पास हमारा नाटक है सर, आपको वहां आना ही होगा सर। हाँ सर, ये हमारे नाटक का 101वां प्रदर्शन है, मिस मत करिएगा, आइएगा। मैंने ही नाटक लिखा है, मैंने ही डायरेक्ट भी किया है। ओह, मैं शैलू जी का असिस्टेंट हूँ, पकड़ू प्रकाश। एक मिनट। हाँ सर, ये हमारे नाटक का पैम्पलेट है सर। आप जैसे कला प्रेमियों की प्रशंसा होगी तो हम जैसे लोगों के लिए वही खिताब होगा। आप आज शाम को आएंगे ना सर? पक्का आएंगे ना? हमें आपका आशीर्वाद चाहिए सर, ये लीजिए। थैंक यू सर, अब हम सब चलते हैं। हाँ दिन में एक बलि, तीन दिन में बस एक रक्त प्रवाह, नहीं तो मृत्यु। मेरी जिंदगी बस इसी आतंक में बीत रही है। इसका अंत करना ही होगा, और इसका अंत तभी होगा जब त्रिशूल से मेरी शादी हो जाएगी। मेरी सारी विद्याओं का प्रयोग कर उसे अपना बनाना होगा। काली महामाई, अब आप ही मार्ग सूचित करें। नागजिनधारी लड़का, मुझे अपना ले, इस घोर नरक से मुझे मुक्त करिए। माँ, पिताजी, दादी, मामा, कहाँ है सब? माँ, माँ, त्रिशूल, त्रिशूल, कहाँ थे इतने दिन तक? हाँ त्रिशूल, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? ये क्या है बेटा, कहीं जाने से पहले बताना चाहिए ना। कृष्णा से शादी के लिए तुमने अपनी सहमति दी थी, उसके बाद हमने हाँ बोला, तो फिर मंडप से उठ के जाने का आखिर मतलब क्या था? मैं जो कहना चाहता था आप लोग वो सुनने की स्थिति में नहीं थे, तो इसके अलावा मैं और क्या करता? मेरा वहां जाना अच्छा ही हुआ, अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरी शिवानी मुझे दोबारा नहीं मिलती। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैंने शिवानी को देखा, त्रिशूल। अगर कोई आत्मा अशांत हो तो हमारे आस पास घूमकर हमें कुछ बताने की कोशिश करती रहती है। शायद तुम्हारे साथ भी वही हुआ होगा। दादी, मैंने शिवानी को ही देखा, जिससे मैंने बात की वो शिवानी ही थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बेटा, तुम अब भी शिवानी को खोने के गहरे सदमे में हो बेटा। मतलब आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है?
कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने मेरी शिवानी को ही देखा है? देखिए उसकी आंखें, देखिए प्यारा सा चेहरा, देखिए उसकी हंसी, देखिए इसे मैं कैसे भूल सकता हूं? इसमें और उसमें जरा भी फर्क होता तो मैं यकीन नहीं करता। मैं यही सोचता कि ये दोनों अलग इंसान हैं, लेकिन उन दोनों में जरा भी फर्क नहीं है, वो यही है। अरे त्रिशूल, दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं, तो यहाँ भी वही हो सकता है ना? नहीं, दुनिया में एक जैसे 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरी शिवानी की तरह और कोई नहीं हो सकता। ये फिर से नाटक कर रहे हो तुम। तुमने खुद आकर कहा कि तुम्हें उससे शादी करनी है और उसके दिल में तुमने आस जगा दी और फिर मंडप से उठ के भाग गए। तुमने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ये नया नाटक कर रहे हो। गलती तो आपने की है। उंगली नीचे। मेरी शिवानी की अस्थियों को आपने विसर्जित किया है, क्या ये बात झूठी नहीं है? आपसे गलती हुई है, अब मुझसे भी गलती मत करवाइए। लग रहा है महल में घूमकर आए हैं ना? अरे छोटी मल्ली, ऐसे घर में रहने के लिए भाग्यशाली होना पड़ता है। अरे जरूरी नहीं है कि भाग्यशाली होना पड़ता है, पैसा पैसा होना चाहिए, बस फिर सब मिल जाता है। अच्छा ये बता कि दूसरे गांव के मिनिस्टर, एमएलए सब फूलों का हार लेकर खड़े रहते थे, लेकिन यहाँ मुझे ये एमएलए और मंत्रियों से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। इनका तो राजघराना है, 10 गांवों की जमीन भी इनकी है और कलाकार को ये बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत दानवीर भी हैं। अगर मालिक को आपकी अदाकारी पसंद आ गई तो पूरा गांव आपके नाम कर देंगे। छोटी मल्ली, लगता है शैलू सपना देख रही है। बहुत सारे गहने और हाथों में खूब सारा पैसा भी। खुद की ड्रामा कंपनी, खुद का ड्रामा थिएटर। मामा, इस शैलू पर नोटों की बारिश हो रही है, शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। शायद इस बार जमीन के कागजात मेरे हाथों में थमा दें। ए पकरू, ए बड़ी मल्ली, छोटी मल्ली, जब ये नाटक देखने आए तो बता देना मुझे, मेरी परफॉर्मेंस से इनके होश उड़ाने वाली हूँ मैं। जी दीदी। कमान। मेरा प्रियतम, मेरा हमसफर, मेरा पति बनकर मुझे श्राप से मुक्त करने वाला, आपका दुख दर्द मैं समझ सकती हूँ। आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि जबरदस्ती आपके प्यार को पालूं। सब लोगों के दबाव में आकर मैंने शादी के लिए हाँ की। देखिए आप मुझे माफ कीजिए, जबरदस्ती शादी तो कर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते। आपके मन में अनजाने में प्यार का बीज बोने के लिए मैं माफी चाहता हूं।
मुझे आपका ये गुण अच्छा लगता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी इच्छा है कि आपके इस प्यार भरे मन में मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। आपके साथ शादी के मंडप में खड़े होने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि अब और कोई नहीं, आप ही मेरे जीवन साथी बनेंगे। शिवानी, देख रही हो ना, सुन रही हो ना, ये तुम्हारी जगह है शिवानी, सिर्फ तुम्हारी ही जगह है। लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं हो। सुंदरी नाटक आज शाम को हमारे गांव में, यानी इसका मतलब। माँ, 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 मा, चलो मेरे साथ चलो अभी। कहाँ बेटा? शिवानी जिंदा है, अभी मरी नहीं है। ये कहने के बाद भी किसी ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया ना? क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, इसीलिए यकीन नहीं हो रहा। जब मैं तृष्णा से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, तब सब कितने खुश थे, सिर्फ आपको छोड़ करके। माँ, जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मेरे मन की हर एक बात को अच्छे से समझती हैं। माँ, माँ, मैंने शिवानी को देखा और मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो यहीं पर है, हमारे गांव में है। चलिए माँ, मेरा विश्वास कीजिए, चलिए। त्रिशूल, सुनो, आप चलिए। तो देख विजय, तुम्हारा बेटा नहीं बदलेगा। क्या कहा उसने? मैंने उसकी मन की बात जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं है। मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करके उसके मन को जल्दी से बदलना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, उसे मना लो, अगर वो मान गया तो मैं बाकी लोगों को मना लूं। प्रयत्न करूंगी, फिर जरूर करूंगी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? समय आ गया, मुझे बलि बलि चाहिए। हाँ? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो बेटा? नाटक देखने के लिए। माँ, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे समय में हम नाटक देखेंगे क्या? माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। नाटक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। वहाँ आगे जाकर आपको सच करीब से दिखाता हूँ। कैसा सच बेटा? सपना, नाटक का नाम है एक सुनहरा सपना। जाकर बैठिए माँ। सपना, सपना, मुझ जैसे इंसान के पास तुम जैसे सुंदरी को देने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन ये गरीब तुम्हें प्यार दे सकता है। स्वप्न सुंदरी, रानी बनूंगी। जान तुम्हारी है तो आत्मा मेरी है त्रिलोक, दिल तुम्हारा है तो उसके
उसकी धड़कन मैं हूँ त्रिलोक, तुम मेरे हो त्रिलोक, मेरे सात जन्मों के राजकुमार तुम ही हो त्रिलोक, तुम ही हो। शिवानी ये तुम हो? कौन है यहाँ? ए, 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 अरे कहाँ जा रही हो? देखो मेरे घर वालों को किसी प्रकार का दुख मत देना। अगर तुम्हें किसी ने ऐसी हालत में देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे बेटे से मेरी शादी करवा दो, जल्दी जल्दी करवा दो। तुम्हारा ऐसा रूप देखकर मेरा बेटा क्या पूरी दुनिया में तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे खून खून चाहिए। खून कहाँ है? कहाँ है खून? ए, 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 ए। मेरे घर वालों को तकलीफ ना हो और यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे एक जगह है, हाँ यहाँ पास में एक नाटक चल रहा है, वहां तुम्हें लड़कियां मिलेंगी। जिस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें वो तुम्हें मिलेगी। जहाँ नाटक चल रहा है मैं वहां जाती हूँ। उसके बाद? 3 दिन के बाद फिर से बलि चाहिए, बलि चाहिए। मतलब इस कहानी का अंत नहीं है? अंत है, अंत तभी होगा जब तुम्हारा बेटा मुझसे शादी करेगा। अगर उसने मुझसे शादी कर ली तो मेरी समस्या खत्म। अच्छा सुनो, पहले तुम ये अपना भयानक रूप बदलो, उसके बाद ही हम लोग बात कर पाएंगे। जा रही हूँ, जहाँ नाटक चल रहा है वहीं जा रही हूँ। कुमारी लड़कियों का खून खून पीऊंगी। मेरे त्रिलोक को मारने की कोशिश करने वाले मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। ऐसे मत बोलो बेटी, पूरी दुनिया में तुम्हें एक ऑटो वाले ही मिला था क्या? देखने वाले क्या कहेंगे? ऊपर से वो एक नालायक है। उसे ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? नहीं चाहिए यह जायदाद। मेरा प्रियतम ऑटो चलाता है, किसान का बेटा है, किसान धान उगाते हैं, वो जहर नहीं देते आपकी तरह। और सुनिए, अगर मेरे त्रिलोक को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मेरे लिए तो आप भी मर चुके हैं। आज के बाद यही मेरी जिंदगी है। ऑटो चलाने वाले से मैंने प्यार किया तो उसकी जान लेने चले थे आप लोग, आज से आपकी बेटी भी ऑटो चलाएगी, मुझे भी मान देंगे क्या? सुनो, ओह बड़े घर वाले, आइए आइए मैडम, आइए ना, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कुर्सी कहाँ है? कुर्सी कहाँ गई? अरे छोटी बल्ली कहाँ गए ये लोग? मैडम चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको मैडम कहा तो आपको बुरा लगा क्या? ठीक है मालकिन। नाटक देखकर आपको खुशी हुई है ना? आपको अच्छा लगा ना मालकिन? तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? अरे कला की प्रशंसा ऐसे? देखिए ये नाटक करना,
ये नाच गाना, ये अदाकारी, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो, बस वही वही कर सकता है ये। अब मैं समझ गई। आप सोच रही होंगे कि दिखने में कितनी सुंदर है ये, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही है? 10-20 एकड़ इसके नाम कर देती हूँ, फिर आराम से जिंदगी गुजारेगी ये। यही बोलने वाली है ना? सही कहा ना? ठीक है, आपका जितना मन करे उतना दे दीजिए। तो कहाँ है आपका लायर और पेपर और बॉन्ड? हाथ में है क्या? पीछे छुपा के रखा है? दिखाइए ना, दिखाइए। क्या कहा? शिवानी। अरे तेरी तो, शिवानी शिवानी लगा रखा है। मैं जानती थी कि आप बड़े घर की मालकिन हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है। क्या कर रही हो शिवानी? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? यार ऐसे आ जाते हैं ये लोग, 25 रुपए देकर लाल बस में चढ़कर आते हैं। उन्हें फैन कहा जाता है। ऑटोग्राफ लो, फोटोग्राफ लो और जाओ यहाँ से। अब अगर ये शिवानी शिवानी बोलकर पीछे आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ये एक ही बीमारी दो लोगों को कैसे हो सकती है? पहले भी एक पागल मेरे पीछे शिवानी शिवानी का जाप करते हुए यहाँ तक आ गया था, पागल कर दिया था। जैसे तैसे उससे मैंने पीछा छुड़ाया, तो अब आप ये शिवानी शिवानी करके मेरे पीछे पड़ गए। मेरी बात सुनो। अरे शिवानी, बस करेगी कि नहीं? सोचा था बड़े घर वाले आएंगे तो हफ्ते में 10 एकड़ की जमीन मेरे नाम करके जाएंगे, लेकिन ये लोग तो शिवानी शिवानी की रट लगाए रखे हैं। कहां से आ गए पता नहीं।